हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रानी। आज हम बना रहे खमन ढोकला, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, 2 पिंच के करीब हमने टाटरी ली है, 1 चम्मच शक्कर ले लेंगे, थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे। जब तक ये मेल्ट होती है, हमने क्या करना है, 1 कप बेसन ले लेंगे और इसे अच्छे से छान लिया है हमने, और इसमें हम डाल देंगे टाटरी का पानी जो हमने मेल्ट होने के लिए रखी थी। अच्छे से मेल्ट हो गई है शक्कर और टाटरी, तो अब हम इसे मिला देंगे। और साथ ही हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है, हमें एक साथ पानी नहीं डाल देना है, वरना थोड़ा बेटर पतला हो जाएगा तो भी हमें फिर दिक्कत आएगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, आप देख सकते हैं बेटर। और हमें 1 कप बेसन में 1/2 कप के करीब पानी लगेगा। और अब हम बेटर को 2 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। जो तक हमने टिन में ऑयल लगा दिया है, हमने 7 इंच का टिन लिया है। अगर आपको ज़्यादा हाइट वाला खमन ढोकला चाहिए तो आप 6 इंच का या 5 इंच का टिन लेंगे तो हाइट ज़्यादा जाएगी। तो अब एक पूरा इनो का पाउच हमने डाल दिया है बेटर में, तो नींबू फ्लेवर का इनो का पाउच लिया था हमने, और अच्छे से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बबल्स आ रहे हैं इसमें, तो ये बबल्स हमें हटाना नहीं है और फटाफट हमें इसे टिन में डाल देना है बेटर को। और अब हमने क्या करा था, जब तक हम बेटर तैयार कर रहे थे, हमने एक कढ़ाई में थोड़ा पानी गर्म करके उसमें एक स्टेन रख दिया है। अब हम ये बेटर वाला टिन कढ़ाई में रख देंगे और इसे कवर करके रख देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या करा है, एक परात पे कॉटन का कपड़ा था उसे कवर कर दिया था। इससे जब भाप बनती है तो जो पानी होता है वो अंदर बेटर पे गिरता नहीं है, तो हमारा जो खमन ढोकला है काफ़ी स्पंजी बनकर तैयार होता है। तो ये सिर्फ 10 मिनट में हमारा खमन ढोकला बनकर तैयार हो गया है। तो इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हमने तड़के के लिए एक पैन में ऑयल गर्म करके 2 हरी मिर्च डाल दी है और साथ ही हमने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है। और 2 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े राई के दाने, आप चाहें तो इसे कड़ी पत्ते के साथ भी डाल सकते हैं। और अब हमने 4 से 5 टेबल स्पून के करीब पानी डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच के करीब शक्कर और थोड़ा हमने नमक डाल दिया है। और अब हमारा तड़का बनकर तैयार है। तो मैं तड़का तैयार कर दी थी, जब तक आप देख सकते हैं मेरे बेटे ने चाकू लगा दिया है खमन में, निशान दिख रहा है, छोटा है अभी वो। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये काफ़ी आसानी से निकल गया है हमारा ढोकला। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से स्पंज आया है इसमें। तो अब हमारा जो तड़का तैयार करा है हम ढोकले पे डाल देंगे, अच्छे से डाल देना इसे। तो लीजिए, खमन ढोकला बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ पास से इसकी जाली। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।